सूर्यकांत का है, बच्चा है एक। इसको स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम थी। ये इसकी प्राइमरी एक्सरे है पहला, जिसमें कोब एंगल यहाँ से अगर देखा जाए तो काफ़ी यहाँ ज़्यादा कर्वेचर है मिड स्पाइन पे। एक्सरे है इनका जो पहले से काफ़ी इसमें अच्छा स्ट्रेंथनिंग आई है, आप देख सकते हैं। इसको कोब एंगल भी काफ़ी डिक्रीज है, ठीक है। अभी हम आपको बच्चे को भी दिखाएंगे और उनके पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं। पहले से कैसा है बच्चा? पहले से ठीक लगा, ठीक है ना। हाँ, और जो पहले हड्डी निकली थी अब वो दिखती है, तो प्रॉब्लम दिखता है, कम हो गया है वो, ठीक है। ये हम आपका वीडियो मीडिया पर डाल सकते हैं ना? हाँ, ये वीडियो आपका मीडिया पर डाल सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। इधर आइए आप। तब से हमारे शिव कुमार भाई भी देख रहे हैं इनको, और ये भी काफ़ी इस फील्ड में जानकारी रखते भी हैं, कायरोप्रैक्टिक का। इन्होंने ही इसको रेफ़र किया है। और पहले इसका जो विंगनिंग आप स्कैपुला था, ये काफ़ी बाहर था, अब पहले से बिल्कुल फ्लैट है ये। बहुत बढ़िया रिस्पांस है। ठीक है, गुड। हमें भी खुशी हुई। अगर ये ऐसा टिपिकल केस होते हैं सब। खड़े हो बेटा, खड़े हो, नॉली दिखाता हूँ। खड़ा हो जाओ, उधर फेस करो, ऐसे ऊपर करो। हाँ, देख रहे हो ना, ये प्रोमिनेंट है ना, ये हिस्सा। सांस अंदर खींचो, हाँ ये देखो है ना, अंदर खींचो। यही थोड़ा सा पहले जो ये जाता था तो ये दबाता था, तो ऐसे बाहर था ये, ठीक है। लेटो बेटा, थोड़ा कम कर दिए हैं, ढीला रखो एकदम। बस रे, इतना हिल क्यों रहे हो? लमलूज ढीला ढीला रख बाबू, ढीला। लूज सीधा लेट, ढीला। अरे चुप है थी, कायरोप्रैक्टिक से भी ऊपर। ये अब देख रहे हैं कि अब कर रहे हैं हमारे भाई साहब, क्या कर रहे हैं? क्या पहले तो वो करा दो ना, मैनुअल थेरेपी से पहले फिजियोथेरेपी तो करा दो, पहले फिजियोथेरेपी करा दो, ऐसे कैसे कर पाएंगे वो? लूज लूज बेटा, बस एकदम लूज, ऐसे रहो ऊपर हाथ। बस बस बेटा, हो गया ये वाला। एकदम लूज लूज लूज, बस